एवरीवन, दिस इज वर्षा भाटी एंड वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड और फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। तो थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट हमें दे रखा है 6x² - 3 - 7x। तो इस क्वेश्चन को भी हमें पहले वाले की तरह ही सॉल्व करना है, इसके जीरोस फाइंड करना है और इसे वेरीफाई करना है। तो पहले से रीअरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है 6x², यहाँ पे दे रखा है -3। कॉन्स्टेंट टर्म जो है वो बीच में आ रही है, तो हम क्या करेंगे, 7x को अंदर मतलब बीच में लेंगे, तो -7x और -3 को हम लास्ट में कर देंगे, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट टर्म है ना, इसलिए। तो -3 लास्ट में आ गया, तो अभी क्या हो गई, रीअरेंज हो गई। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो अब हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग स्प्लिटिंग मेथड, स्प्लिटिंग मेथड, हम इसमें स्प्लिटिंग मेथड यूज करेंगे। तो स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है, आपको पहले वाली वीडियो में पता चली गई होगी। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसे जाके देखें। और अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट माने जो हमारे लास्ट के दो नंबर होते हैं कॉन्स्टेंट और जो फर्स्ट टर्म होती है हमारी, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है। तो 3 × 6 करेंगे तो क्या आएगा, 18, और 6 के साथ क्या है, x², तो x² भी लिख लेंगे। और सम क्या होता है हमारा, सम होना चाहिए जो हमारी सेंटर वाली डिजिट है, जो हमारी बीच में लिखी जाने वाली डिजिट है, यानी कि -7x। तो अब 18 के फैक्टर्स हम यहाँ पे कर लेते हैं, 18 के फैक्टर्स कर लेते हैं यहाँ पे, फैक्टर्स नहीं करने हैं हमें, ये पता करना है कि 18 किस किस के टर्म में आता है। तो फैक्टर्स नहीं करने हैं हमें यहाँ पे, 2 × 9 18 होता है, 3 × 6 18 होता है, और किसी में टेबल आता है, हाँ 6 × 3 18 होता है। ये तो एक ही बात हो गई, 3 × 6 6 × 3, इसे तो वैसे लिख सकते हैं। और 18 × 1 18 होता है। अब मैं 9/2 भी लिख सकती हूँ, 2/9 लिख सकती हूँ, एक ही बात होगी। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 18 आ रहा है, लेकिन जब हम प्लस या माइनस करके हमें कुछ भी करके सम जो चाहिए वो -7x चाहिए। तो जब हम 2 और 9 को प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, जो भी करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7x आएगा। तो जब हम 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 7x आएगा, और जब 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 18 भी आएगा। तो ये जो वाली, जो हमारा फर्स्ट जो हमने लिखा हुआ है, ये 2 मल्टीप्लाई हुआ है 9 = 18, हमारा एकदम फिट बैठ रहा है, तो हम इसे यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 6x². अब यहाँ पे हमें प्रोडक्ट कैसे दिया है, प्रोडक्ट हमें माइनस में दिया है, सॉरी यहाँ पे -3 है और यहाँ पे प्लस का 18 है, प्लस का 6 है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 18x², तब हमारा प्रोडक्ट भी माइनस में है और सम क्या है वो भी माइनस में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस के डिजिट को देखना पड़ेगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, +2x और -9x, ऐसा हमने क्यों किया, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन जब हम प्लस सम के लिए जब हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारा जो माइनस साइन आना चाहिए तो हमारा जो बड़ी वाली डिजिट है उसके साथ होना चाहिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, -3 6x, अब हम क्या करते हैं, इसे एक्सपेंड कर लेते हैं। 6x² = हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 × x × x ऐसे लिख सकते हैं, और 2x को कैसे लिख सकते हैं, 2 × x। -9x को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 × -1 × x, और -3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × -1। अब इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, कॉमन क्या क्या है, 2, और यहाँ पे x कॉमन है, यहाँ पे 3 और -1 कॉमन है। तो अब लिख लेते हैं इन्हें, 2 और x कॉमन है, हमने बाहर लिख लिया क्योंकि ये कॉमन था, और 3x और +1, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम +1 ले लेंगे, है ना। और यहाँ पे क्या कॉमन है, 3 और -1, 3 और -1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -3। अब अंदर क्या बचा, 3x और +1। अब हम ये जो बाहर वाले नंबर है इन्हें एक ब्रैकेट में ले लेंगे, 2x - 3 और 3x + 1, तो हमारे ये आ गए ब्रैकेट में दोनों आंसर। अब हम क्या लेंगे, x निकाल लेंगे अपना, नेक्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं।
हमारा क्या दे रखा था, हमें दे रखा 2x माइनस 3, और क्या दे रखा था 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1, 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1, ये तो दे रखे थे। अब हमें क्या निकालना है, x निकालना है, तो हम क्या करेंगे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3 इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2x इज इक्वल टू 3, अब 2 इधर शिफ्ट होगा, यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 3/2, ये हमारा x आ गया। अब हमें यहाँ क्या करना है, जब ये 1 इधर शिफ्ट होगा तो 3x इज इक्वल टू, यहाँ प्लस का है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो माइनस 1 अब यहाँ पे जो हमें x दे रखा है, जब ये 3 इधर शिफ्ट देना है मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो x क्या आ जाएगा हमारा माइनस 3, माइनस 1/3। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोस करना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशियंट ऑफ x अपॉन में कोफिशियंट ऑफ x स्क्वायर, सम ऑफ जीरोस मतलब ये जो हमारे दो x निकले हैं इन दोनों का सम, इन दोनों को प्लस करना है, तो 3/2 प्लस माइनस 1/2, और यहाँ पे हम कोफिशियंट ऑफ x क्या है, यहाँ पे 7x दे रखा है, यहाँ पे माइनस 7x, तो x का कोफिशियंट क्या हुआ माइनस 7 और x स्क्वायर का कोफिशियंट क्या हुआ पॉजिटिव 6, तो इसे आगे लिख लेते हैं, कोफिशियंट ऑफ x क्या था हमारा माइनस 7, और हमें बाहर भी माइनस लगाने क्योंकि माइनस ऑफ कोफिशियंट है, और x स्क्वायर का कोफिशियंट क्या था वो था पॉजिटिव 6, तो हमने यहाँ पे इसे लिख लिया। अब इसे प्लस माइनस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, और दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो 2, 3 प्लस माइनस माइनस और 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7/6, अब 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 2/2 इज इक्वल टू प्लस 7/6, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों अनइक्वल है। एक मिनट गाइस, यहाँ पे जो हमने ये डिनोमिनेटर लिया है 1/3 है, तो इसे दोबारा सॉल्व कर लेते हैं, नीचे साइड में ही कर लेते हैं, काम करते हैं, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोस हमारे दो जीरो क्या निकला है, दो एक्स क्या निकला है, एक 3/2 है, 3/2 प्लस, और दूसरा क्या है माइनस 1/3 है, यहाँ पे इज इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ एक्स क्या था माइनस, हमारा कोफिशियंट ऑफ एक्स था माइनस 7 अपॉन में कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर था पॉजिटिव 6, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा 3, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9, प्लस माइनस माइनस, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2, और 2 को जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 7/6, अब 9 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा 7/6 इज इक्वल टू 7/6, तो ये क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखने हैं, यहाँ लिख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हमारे जीरोस क्या निकले थे, हमारे जीरोस थे 3/2 एंड माइनस 1/3, यहाँ उन्हें लिख लेते हैं 3/2 मल्टीप्लाई में माइनस 1/3, और कांस्टेंट टर्म क्या थी हमारी, वो कांस्टेंट टर्म हम देख लेते हैं, कांस्टेंट टर्म थी हमारी माइनस 3, तो हम उनसे लिख लेंगे कांस्टेंट टर्म हमारी माइनस 3 अपॉन में कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर था हमारा पॉजिटिव 6, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 वन जा माइनस 3 आ रहा है क्योंकि माइनस 1 है, तो 3 वन जा 3 और माइनस का साइन
टू थ्री जा सिक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री बाय सिक्स। ये दोनों ऐसे भी सेम है, आपने सिंप्लीफाई करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, मैं कर देती हूँ। ये हो जाएगा माइनस वन बाय टू और ये हो जाएगा माइनस वन और ये बाय टू, तो माइनस वन बाय टू इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू। तो क्वेश्चन नंबर थ्री मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया, अब हम फोर्थ पार्ट नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट हमें दे रखा है फोर यू स्क्वायर प्लस एट यू। तो इस क्वेश्चन में हमें जो है कांस्टेंट टर्म नहीं दिया, तो कांस्टेंट टर्म नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, हम उसे खुद ही लिख लेंगे। तो उसे सॉल्व कर लेते हैं, फोर यू स्क्वायर प्लस एट यू। तो कांस्टेंट टर्म नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, प्लस जीरो कर लेंगे, जीरो भी तो कांस्टेंट टर्म ही है, तो प्लस जीरो हमने कर लिया। अब जीरो का तो मतलब कुछ है नहीं, तो अब इसमें वापस से हम अब हम इसमें कॉमन लेंगे। तो फोर यू स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, टू इंटू यू इंटू यू, क्योंकि यू का स्क्वायर है और यहाँ पे एट यू है, तो ये टू इंटू टू इंटू टू इंटू यू। कॉमन क्या है इन दोनों में, कॉमन है टू टू एंड यू, टू टू एंड यू। तो अब क्या करेंगे, टू इंटू टू फोर, फोर यू एंड अब बचा के अंदर यू प्लस टू। तो ये दो हमने निकले हैं, अब इन्हीं को हमें सॉल्व करना है आगे। तो फोर यू इज इक्वल टू जीरो एंड यू प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, इन्हें ही अब हम सॉल्व करेंगे। यू यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में, सॉरी फोर यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो यू इज इक्वल टू जीरो बाय फोर, अब जब जीरो बाय फोर है तो जब डिवाइड में तो यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इजिली जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे u प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो टू इधर शिफ्ट होगा तो u इज इक्वल टू यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ u आया जीरो और यहाँ u क्या आया, माइनस टू। तो अब इसे वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई यहाँ पे हम करेंगे सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशियंट ऑफ यू स्क्वायर अपॉन में कोफिशियंट ऑफ यू। तो सम ऑफ जीरोस क्या है हमारे, यू क्या निकले हैं, जीरो और माइनस टू, तो सम इन दोनों का प्लस, जीरो प्लस माइनस टू इज इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ यू स्क्वायर क्या है, कोफिशियंट ऑफ यू स्क्वायर है फोर, पॉजिटिव फोर, तो हम यहां लिख लेंगे माइनस पॉजिटिव फोर अपॉन में कोफिशियंट ऑफ यू। तो कोफिशियंट ऑफ यू क्या है हमारा, एट, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एट, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस टू इज इक्वल टू प्लस माइनस, माइनस का फोर अपॉन में एट, तो फोर वन ज़ा फोर, फोर टू ज़ा, तो सॉरी गाइस गलती से गलती हो गई, यहाँ पे यू स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे यू है और यहाँ पे यू स्क्वायर है। तो अभी से नीचे सॉल्व कर लेते हैं एक बारी, सॉरी सॉरी माफ कर देना। सम ऑफ जीरोस क्या है हमारा, जीरो प्लस माइनस टू इज इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ यू क्या है, कोफिशियंट ऑफ यू है हमारा एट, तो हम यहाँ लिख लेंगे माइनस एट अपॉन में कोफिशियंट ऑफ यू स्क्वायर क्या है हमारा, फोर। तो यहाँ क्या जाएगा, माइनस टू इज इक्वल टू माइनस एट अपॉन में फोर, फोर वन ज़ा फोर, फोर माइनस टू ज़ा एट, तो माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब ये करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करने, तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब हमारे जो जीरोस थे, जीरोस क्या थे हमारे, यू जीरो और माइनस टू, तो प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई, तो जीरो इंटू माइनस टू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म क्या थी हमारी, कॉन्स्टेंट टर्म तो हमारी जीरो थी क्योंकि हमने तो कुछ ली नहीं थी ना, हमें क्वेश्चन में दी नहीं थी तो हमने खुद ही से वो यू ले ली थी, वो थी हमारी जीरो। तो हम यहाँ पे वही यूज करेंगे, कॉन्स्टेंट टर्म जीरो अपॉन में कोफिशियंट ऑफ यू स्क्वायर क्या है हमारा, वो है हमारा फोर। तो माइनस टू को हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा जीरो इज इक्वल टू जीरो बाय फोर, भी क्या होता है जीरो ही हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन वन का थर्ड और फोर्थ पार्ट दोनों कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
Thank you.